आपको बता दें, सीएम शिवराज का आज दिल्ली दौरा होने वाला है, जहां पर कई घोषणाओं को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ सीएम शिवराज मंथन करेंगे। वहीं एमपी में दूसरी सूची नामों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सीधा रुख करेंगे बिलासपुर की तरफ, तो बिलासपुर से हमारे संवाददाता सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली है? बिल्कुल सुनिए, सबसे पहले हम राजनीतिक खबर की बात करेंगे और लगातार बिलासपुर में आज संकल्प शिविर का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक बार फिर संकल्प शिविर के दौरे पर है। आज बिलासपुर जिले के कोटा, बेलतरा और मस्तूरी विधानसभा में मुख्यमंत्री संकल्प शिविर करेंगे। 12:30 बजे का समय दिया गया है। कोटा में, कोटा के जो आत्मनिर्भर स्कूल है वहां उनका कार्यक्रम होना है। बूथ जोन और सेक्टर के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में आज संकल्प शिविर लिया जाएगा और तमाम जो चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति है, जो योजनाएं हैं, वो सभी बनाई जाएंगी। लोगों की फीडबैक भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेने वाले हैं कि किस तरह से जो उनके राज्य सरकार की योजनाएं हैं लोगों तक कितनी पहुंच रही है, लोगों को क्या लाभ मिल रहा है, क्योंकि किस तरह से उनका फीडबैक आ रहा है, तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज संकल्प शिविर करेंगे। उसके बाद 3:30 बजे, उसके बाद 12:30 बजे बिलासपुर के इंडोर, बिलासपुर के भतराई स्टेडियम में उनका कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तमाम क्षेत्र के लोग मौजूद रहेंगे। बेलतरा के सभी कांग्रेसी नेता रहेंगे मौजूद, उनको उनकी अगुवाई, उनकी उपस्थिति में तमाम जो शासन की योजना है तमाम फीडबैक लेंगे और वही संकल्प लिया जाएगा कि 2023 विधानसभा में बहुमत के साथ जीतने के लिए और जो प्रत्याशी उनकी सहयोग करने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए तमाम सभी बातों को लेकर के संकल्पित रहेंगे सभी और संकल्प लिया जाएगा। और वही दूसरी बड़ी खबर की मैं बात करूं तो आज बिलासपुर में कोरबा रायपुर, रायपुर कोरबा हसदेव जो एक्सप्रेस ट्रेन है वहां से रुकने वाली है, क्योंकि लंबे समय से एक्सप्रेस ट्रेन को बिलहा में रुकने के लिए लोगों के द्वारा मांग किया जा रहा था। उनकी मांग एक बार सफल हुई है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु की अगुवाई में यह कार्य सफल हुआ है। जी जी सुधीर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।